आज का जो टॉपिक हमारा वह है रूमर्स अबाउट MBBS। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे और बहुत से ऐसे लोगों की प्रोफाइल भी देखी थी जो MBBS कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो वो आपको एक तरीके से MBBS से रिलेटेड मिसगाइड कर रहे होते हैं। जो सबसे मेन एक रूमर ये है कि बहुत मुश्किल है, उसके बाद आप अगर करोगे तो इसमें इतना पैसा नहीं है, तीसरा इज्जत नहीं है, तीसरा आपके पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा। तो ये सारी वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपने बनाई भी हैं, ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप CS कर रहे हो, आप ACCA कर रहे हो, आप CA कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप तो ऐसा नहीं है आप किसी भी फील्ड में जाओगे, एक दिन पहले आपने पढ़ा और हो गया। मेरा तो आपको हर फील्ड में करनी है। मेरे अपने बहुत सारे दोस्तों को देख रहा हूँ जो BBA वगैरह कर रहे हैं, उनको हमसे ज़्यादा काम मिल रहा होता है, रोज़ आके असाइनमेंट कर रहे होते हैं, हमें नहीं मिल रहा। आप 3rd ईयर में शुरू हुए, बस एक भी असाइनमेंट नहीं मिला, हमें बस बुक खोलनी है और डायरेक्ट याद करना है। थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, मैं अपने बाकी दोस्तों को जो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, मुझे उनका ज़्यादा मुश्किल लगता है। और MBBS से ज़्यादा आप अगर फार्मेसी वगैरह देखोगे तो उसके सब्जेक्ट ज़्यादा भी हैं और ज़्यादा मुश्किल भी हैं, और उसमें आधे ज़्यादा आपका मैथ भी भरा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत से लोग कहते हैं कि यार MBBS है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये चीज़ ऐसे बनाई हुई हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी एक रूमर ये होती है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, और उसके बाद आपको जो पे मिलती है वो बहुत कम मिलती है। तो अगर आप कोई भी फील्ड, अगर आप ग्रेजुएट करके निकल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता आप निकले और आपकी लाखों में तनख्वाह लग गई। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाते हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता राइज करते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप गए किसी भी फील्ड में, आप चले जाओ CSO ACCA कुछ भी हो, ऐसा नहीं होगा आपने करा, आप जाकर निकले, आपकी गाड़ी तैयार खड़ी है, पैसा है और घर भी तैयार है, तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप MBBS भी कर रहे हो तो उसमें भी सेम ही है, अगर आपने 5 साल करा है उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करो तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ होती है। ऐसा नहीं होगा आपने करा और करते ही आप बस आसमानों में पहुंच गए, तो ये किसी भी फील्ड में नहीं होता। ये पहले से आपने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ होता है कि यार हम बस पढ़ेंगे, बन के निकलेंगे और लाइन लगी हुई होगी। इसके अलावा एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो अक्सर अगर आप ले भी रहे होते हैं, मेडिकल की फील्ड में जा रहे होते हैं, तो ये चीज़ कहते हैं आपको कि यार इस फील्ड में जा रहे हो तो बाकी सारे काम छोड़ने पड़ेंगे और इन्जॉयमेंट नहीं है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब भी सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हमारा पेपर ख़त्म हुआ, 1 महीने का पूरा गैप था हमारा, और जब पेपर से पहले जब क्लासें हो रही थी तो जब भी ऐसा नहीं था कि बस हम सिर्फ पढ़ाई की उसमें थे, काफ़ी टाइम मिल रहा था, स्पोर्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ, सब में पार्टिसिपेट करा, सारी चीज़ें इंजॉय भी करी। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप पढ़ रहे हो MBBS तो इसका मतलब आप बाकी चीज़ें कर लिया हो। अब मेरे भी साथ साथ चैनल भी चल रहा है, वीडियोस भी चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, हॉस्पिटल भी चल रहा है, आपके यूनि भी चल रही है साथ में, बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहती हैं साथ साथ। तो ये चीज़ें भी बनाई हुई हैं कि यार आप अगर जाओगे मेडिकल फील्ड में और कोई काम नहीं रहेगा, बस आपको किताबें पढ़नी हैं, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना इसको बताया जाता है। इसके अलावा एक बात की जाती है कि अगर आप हाउस जॉब कर रहे हो या हाउस जॉब के बाद आप नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो उसके अंदर जो पेशेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, या आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे होते। तो ये जो सारी बातें हैं ये बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं, या उसको एक्स्ट्रा करके बताई हुई हैं सारी चीज़ें। अभी मैं कर रहा था इलेक्टिव जीना में, तो हमारा सेकेंड ईयर ही पास था सिर्फ, मतलब कोई इतना ज़्यादा हम अपर लेवल पर नहीं थे, सिर्फ गले में स्टैड या हम अगर सिर्फ वाइट कोट भी पहन लें तो जो लोगों का तरीका होता था ना बात करने का वो काफ़ी अलग होता था। बल्कि लोग तो दूर की बात, आपको जो वहाँ गार्ड था ना हमारा, वो भी पहले आके सलाम करता था फिर वो अंदर जाता था। हालांकि हम क्या थे, हमारा सिर्फ सेकेंड ईयर था कंप्लीट, और बस था क्या, वाइट कोट था और गले में स्टैड था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको करके बताते हैं। हाँ होता है आपके कभी 100 में से 1 पेशेंट या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं कि आपको नहीं कर। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये, आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे वो MBBS हो या इंजीनियरिंग की या कंप्यूटर की कोई भी फील्ड हो, तो प्लेट में रख के आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। मेहनत हर जगह है, पढ़ाई हर जगह है, इंजॉयमेंट भी हर जगह है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से टाइम मैनेज करके चलते हो। तो खैर ये काफ़ी टाइम से मैं बहुत से ऐसे पेजेस देख रहा था, बहुत से ऐसे लोग देख रहा था जो ये बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा था इस पर एक वीडियो बनाने का। बाकी अभी ये वीडियो तो फिलहाल यहीं ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद फिर 1-2 वीडियोस और हैं वो आएंगे, उसके बाद फिर ब्लॉग्स आएंगे।